धनतेरस पर 13 गुना वृद्धि के लिए किन 13 चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार महात्यौहार यानी महापर्व के रूप में जाना जाता है। इसे पंचोत्सव भी कहा जाता है। इन 5 त्यौहारों में सबसे पहला त्यौहार जो है वो धनतेरस का मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से अच्छी सेहत का वरदान प्राप्त होता है और इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी हम करते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर खरीदारी करें क्योंकि जिससे कोई गलती ना हो। आपको अच्छी चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए और भूल से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खरीदारी हमें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हम धनतेरस के दिन क्या खरीदें और क्या ना खरीदें जिससे हमारे घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी और पैसा चुंबक की तरह खींचता चला आएगा। नंबर 1, साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया जरूर खरीदें। धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस धनिया को हम 3 भाग कर लें। एक भाग को गमले या क्यारी में बो दें और दूसरे भाग में थोड़ा सा इत्र मिलाकर घर के चारों ओर छिड़क दें, जिसकी खुशबू से लक्ष्मी माता खींची चली आएंगी। और तीसरा भाग बांधकर हमें दिवाली के दिन पूजन करके और उसे तिजोरी में रखना चाहिए, जहाँ रुपया पैसा रखते हो वहाँ। इससे घर में धन दौलत की बहुत पूरे साल बरकत बनी रहेगी। नंबर 2, नई झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस को झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू की सबसे पहले पूजा करें, फिर उसे व्यवहार में लाएं। कहते हैं कि झाड़ू से घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और अगर आप समर्थवान हैं तो एक झाड़ू का गुप्त दान भी जरूर करें। किसी मंदिर चौराहे या आज किसी जगह में रख दें, कोई ज़रूरतमंद ले जाएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 3, नमक। धनतेरस के दिन नमक जरूर खरीदें। इस दिन खरीदा हुआ नमक घर में 5 दिन तक व्यवहार जरूर करें, पंचोत्सव जो होता है उसमें। इस नमक का सेवन धनतेरस से भाई दूज तक जरूर करें। घर में नमक वाला पोछा भी लगवाएं, ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे दरिद्रता भी घर की दूर होती है और वास्तु दोष भी खत्म होता है। नंबर 4, कौड़ियाँ। दोस्तों, कौड़ियाँ धनतेरस को जरूर ले आएं। कौड़ियों वैसे तो बहुत तरह की आती हैं, पर सफ़ेद या पीली कौड़ियाँ अपने घर के लिए शुभ मानी जाती हैं, इसलिए सफ़ेद या पीली कौड़ियाँ ही लें। कौड़ियों से माँ लक्ष्मी जी खींची चली आती हैं। दीपावली को पूजन करके कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर जहां धन रखते हैं वहां रखें, पूरी साल बरकत रहेगी। हर साल कौड़ियों की पूजा करें। अगर नई कौड़ियाँ ले सकते हैं तो कौड़ियाँ लें, नहीं तो पुरानी कौड़ियों को धोके काम में ले सकते हैं। और अगर आप नई कौड़ियाँ लाते हो तो पुरानी को जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 5, गोमती चक्र। कहते हैं कि जहाँ गोमती चक्र होता है वहाँ सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी स्थायी होती है, वास्तु दोष भी दूर होता है। गोमती चक्र की पूजा जिस किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है उससे गोमती चक्र की पूजा करवाएं। गोमती चक्र को धन वाली जगह में रखें, ऐसा करने से उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। नंबर 6, श्रीयंत्र। श्रीयंत्र धनतेरस को जरूर खरीदें। श्रीयंत्र खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। श्रीयंत्र लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है।
श्री यंत्र खरीदते समय चेक कर लें कि बराबर है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी श्री यंत्र में कुछ उल्टा पुल्टा भी दिया हुआ होता है। श्री यंत्र एकदम सही होना चाहिए। जिस घर में नियमित श्री यंत्र की पूजा होती है उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। लक्ष्मी जी के श्री यंत्र का सुबह दर्शन करते रहने से धन का अभाव खत्म होता है और प्रवाह बना रहता है। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में श्री यंत्र की रोजाना पूजा होती है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती, इसलिए श्री यंत्र जरूर लाएं। यदि आपके घर में पहले से श्री यंत्र है तो उसी की ही पूजा करें। पुराणों में श्री यंत्र से संबंधित एक कहानी है, तो आज नहीं दोस्तों, किसी दिन विस्तार से वीडियो में बनाकर सुनाऊंगी। दोस्तों, इन 13 चीज़ों में से अगर संभव हो तो सभी खरीदें, अगर नहीं संभव हो तो कुछ एक दो चीज़ खरीदें ही, लेकिन कुछ ज़रूर खरीदें। ऐसा नहीं है कि 13 चीज़ें खरीदने से ही बरकत आएंगी, एक दो भी खरीदने से बरकत आती है। बस आप सही मन से और अच्छे आत्मविश्वास से और बहुत खुशी से ये काम करें। नंबर 7, मिट्टी के दिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर धन से हमेशा भरा रहे, कभी कर्जा ना लेने की नौबत आए, तो ऐसे में मिट्टी के दीपक जरूर जलाएं। घर के बाहर 13 दिए और घर के अंदर 13 दिए जरूर जलाएं। मिट्टी के दिए घर में संपन्नता लाते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हो सके तो कुछ दिए तेल बाती के साथ जरूर दान करें। नंबर 8, सात मुखी रुद्राक्ष। सात मुखी रुद्राक्ष धनतेरस को जरूर ले आएं। सात मुखी रुद्राक्ष से भगवान शिव की माला से 108 जाप करें। सात मुखी की पूजा से अकाल मृत्यु नहीं होती और धन धान्य से घर भरा रहता है। नंबर 9, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस को मिट्टी की मूर्ति लाना बहुत शुभ माना जाता है। इन मूर्तियों की पूजा दिवाली के शाम को करें। मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। मूर्ति हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। खड़ी हुई मूर्ति चंचल मानी जाती है, इससे धन टिकता नहीं है और धन का अभाव बना रहता है। मूर्तियाँ खंडित नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी सूंड बाई तरफ घूमी हुई हो और उनका वाहन मूसक जरूर हो। गणेश जी की मूर्ति में हाथ में लड्डू या मोदक जरूर होने चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति कमल के ऊपर आसन हो और धन गिराती हुई मुद्रा हो। मूर्ति मिट्टी की हो या धातु की, अष्ट धातु हो या कोई और, लेकिन प्लास्टिक या चीनी मिट्टी की नहीं होनी चाहिए। नंबर 10, सिक्के जरूर खरीदें। दोस्तों, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चांदी या सोने के सिक्के गहने खरीद सकते हैं। अगर संभव ना हो तो बर्तन दिए कपड़े आदि ले सकते हैं, लेकिन खरीदारी पूरे उत्साह से करें। माँ लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न रहने वाले पर ही बरसती हैं। नंबर 11, नए बर्तन। नए बर्तन खरीदना धनतेरस पर बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन ज़्यादा कुछ ना खरीद पाएं तो पीतल का एक दिया जरूर खरीदें। यदि ये भी ना संभव हो तो पूजा की सामग्री जरूर खरीदें। लोहे का बर्तन भूल से भी ना खरीदें, इससे शनि देव का ग्रह भारी होगा और दोष लगेगा, इसलिए लोहे के बर्तन खरीदने से बचें। नंबर 12, कुबेर यंत्र। दोस्तों, कुबेर यंत्र जहाँ पर होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। ऐसे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। कुबेर यंत्र पूजा घर में मंदिर में उत्तर दिशा में स्थापित करें। उत्तर दिशा कुबेर का दिशा है, वहाँ से लगातार धन का प्रवाह होता है। कुबेर यंत्र स्थापित करने से वास्तु दोष भी मिटता है। जब बहुत मेहनत करने पर भी सही रिजल्ट नहीं आता है तो ये उपाय करने से समस्या का हल निकलने की संभावना पूरी होती है।
कुबेर मंत्र का 108 बार जप करें। दोस्तों, गूगल से ये मंत्र आप देख लें ताकि कोई गलती ना हो। ऐसे वीडियो में बोलने से मंत्र कुछ गलत भी हो सकता है। नंबर 13, पूजन सामग्री। दोस्तों, हल्दी, आसन, धार्मिक पुस्तकें, पूजा के सामान, फल, मिष्ठान आदि सब वस्तुएं जरूर खरीदें। इससे खुशहाली आती है और जहां खुशी होती है वहीं लक्ष्मी जी। कहते हैं कि धनतेरस की खरीदारी पर खरीदा हुआ धन 13 गुना बढ़ता है, इसलिए सभी वस्तुएं उत्साह से खरीदें और खुशी खुशी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस तरह के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो तुरंत के तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों। जय माता।